अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कौसम मॉम्स किचन। आज की हमारी रेसिपी में हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रन स्पेशल पोहे की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का पोहा लिया है, 250 ग्राम हमने पोहा लिया है। हम पोहे को वॉश कर लेंगे। हमने पोहे को एक छन्नी में डाला है। पोहे को भिगो कर नहीं रखना है, सिर्फ वॉश करना है। पोहे को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। हम एक बार इस तरह से पोहे को मिला देंगे। अब हम पोहे को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून शुगर। शुगर ऐड करने से पोहे का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। ऑप्शन है, अगर आपका पोहे में मीठा पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। शुगर नमक ऐड करने के बाद हम पोहे को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम पोहे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, इससे हमारा पोहा जो है फूल जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, पोहा हमारा अच्छे से फूल चुका है। मैं 50 ग्राम मूंगफली लिया है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्ट करा हुआ मूंगफली है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। मूंगफली रोस्ट हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 3 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। पोहे को बनाने के लिए हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने राई लिया है, 1 कांदे को चॉप करके लिया है, कड़ी पत्ते को भी चॉप करके लिया है, हरा धनिया को भी चॉप करके लिया है, हमने 5 हरी मिर्च को कट करके लिया है, 1/2 नींबू लिया। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे राई। इसमें जीरा भी ऐड कर लेंगे। राई जीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे कांदा, साथ में हम हरी मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। कांदे का कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे कांदे को। कांदे का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लिया है। हमें रोस्ट करके रखा था मूंगफली, वो भी अब हम ऐड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हमने लोहे की कढ़ाई लिया है, इसलिए हमने 3 चम्मच ना तेल ऐड किया है। अगर आप नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो तेल आप 2 चम्मच इतना ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें पोहा ऐड कर लेंगे। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है। हम पोहे को अच्छे से मिला देंगे। अलग अलग शेप में से अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, हम इसी मेथड से बनाते हैं। हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस मिला देंगे। इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे। वापस से हम एक बार से अच्छे से मिला लेंगे। ये पोहा जो है बहुत झटपट से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब पोहा सर्विंग के लिए रेडी है। आप देख सकते हो पोहा हमारा कितना खिला खिला बना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम पोहे को सर्व कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं कौशल मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।